खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आरपी टीवी न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। राजघाट रोड स्थित भाजपा कार्यालय में कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद, जिला अध्यक्ष द्वारा भाजपा स्थापना दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक आज 2021 तक की संघर्ष की गाथा में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के बलिदान व सहयोग से इस मकाम तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 राम मंदिर एवं 3 तलाक जैसे मुद्दों पर निर्णय लेकर, वहीं राज्यसभा सांसद द्वारा भाजपा की स्थापना के 41 सालों में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क गैस चूल्हे जैसे निर्णयों के आंकड़े भी बताए गए। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल द्वारा ये बताया गया कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यदि देश के प्रधानमंत्री राहुल होते तो देश किस ओर चला जाता। क्या कार्य किया गया? भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले में आज जिले की 418 पंचायत और 1200 मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी अपने 41वें स्थापना दिवस को मना रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 24 मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इस बड़वानी जिले के लोकसभा के सांसद और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सम्मानी गजेंद्र पटेल जी, राज्यसभा के सांसद सम्मानी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मानी प्रेम सिंह जी पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी के सहयोग से आज सभी दूर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख 6 उत्सव में से एक उत्सव है। हम लोग आज बड़ी खुशी के साथ और बधाइयों के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। भाजपा मंडल पार्टी ने मनाया पार्टी का 41वां स्थापना दिवस। पार्टी भारतीय जनता पार्टी मंडल पार्टी द्वारा मंगलवार को देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मंडल स्तर पर मनाया गया। मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने बताया कि पार्टी का स्थापना दिवस बूथ स्तर पर मनाया गया। प्रत्येक पंचायत के कार्यकर्ता द्वारा अपने अपने घरों पर भाजपा का ध्वज फहराया गया। मुख्यालय पार्टी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर मुख्य वक्ता लखन भावसार ने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश तथा देश में भाजपा द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसे जन जन तक पहुंचाने तथा इसका लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाने का कार्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाना है। इसके लिए सतत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। लखन भावसार ने बताया कि भाजपा के शासनकाल में पूरे देश में विभिन्न उपलब्धियां हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लाभ मिलने का स्वप्न देखा है, उसे पूरा करने का समय है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया गया, जिनके समर्पण में से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उक्त कार्यक्रम में लखन भावसार, सुरला सोलंकी, दीपक मालिया, मनीष भावसार, नीलेश गोले, धनुष भावसार सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी द्वारा अस्पताल में जाकर वर्तमान में चल रहे 45 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का निरीक्षण कर वैक्सीन लगवाने आए लोगों से चर्चा की। साथ ही कई जगह जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की समझाइश भी दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के निर्देशानुसार हमने स्थापना दिवस मनाया है। आज पंडित दीनदयाल जी, श्याम प्रसाद जी मुखर्जी को याद करते हुए अपना स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया है और हम कृतज्ञ हैं उन सभी कार्यकर्ताओं के जिनकी शक्ति से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी